विशेष ये विशेष राज्य की दर्जा में यूपीए की सरकार थी, उस समय मुंह बंद हो जाता था। हमको अध्यक्ष के नाते कमेटी गठित करना पड़ा है भ्रष्टाचार के मामले में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का किया हुआ काम आज भी बोल रहा है। जो काम किया है नाम उसी का रह जाएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है और आपके नाम बिहार को जो आपने जिस गति में पहुंचाया है, आपने गुंडा राज को जनता राज कह रहे हैं। और युवा मोर्चा ने जिस प्रकार से पूरे देश में रक्तदान का कार्यक्रम, फोटो भी हो जाएगा, सेल्फी के साथ। अरे आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस वक्त पटना के बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे साथ यहां पर आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के बड़े मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में बिहार बीजेपी इसे मना रही है और यहाँ पर रक्तदान शिविर बीजेपी कार्यालय में लगाया गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी। देखिए, जिनको नाम के लिए जीना है वो नाम, उनके जाने के बाद नाम सब समाप्त हो जाएगा। जो काम किया है नाम उसी का रह जाएगा और ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता बोलती है। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का किया हुआ काम आज भी बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने तो विधायकों के भी नाम को मिटा दिया और अपना नाम कर लिया। जहां मौका मिला अपना नाम छपवाने के लिए आप जितने परेशान रहते हैं, इससे अब हटिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है और आपके नाम बिहार को जो आपने जिस गति में पहुंचाया है, आपने गुंडा राज को जनता राज कह रहे हैं और पूरे राज्य के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, उसमें भी आप जाति भेद करके जातीय जहर घोलना चाहते हैं, ये आपके कहीं भी नाम को नहीं रहने देगा, सारे नाम और निशानी आपका समाप्त कर देगा। संजय जायसवाल को लेकर अभी जदयू कह रही है कि विकास विरोधी हैं बिहार के, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। ये लोग नाटक का ढोल बजाने वाले लोग हैं। विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर जो सरकार के द्वारा 1,25,00,000 करोड़ मिला, उस पैसे का ये लोग लूट और बंदर बांट करने में ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। ईमानदारी से अगर जो वो खर्च करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते, आज ब्लॉक से लेकर के आप बताइए, जिला से लेकर के विभाग तक कई बार प्रश्न उठा है। हमको अध्यक्ष के नाते कमेटी गठित करना पड़ा है भ्रष्टाचार के मामले में। ये भ्रष्टाचार की समीक्षा नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस के नाम पर लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं। विशेष राज्य के दर्जा पर और कितनी दौलत ये लोग भ्रष्ट लोगों की जमात कमाना चाहते हैं। सरकार मिल करके मदद करने के लिए तैयार है, आप अच्छा प्रपोजल लेके बढ़िए। और विशेष ये विशेष राज्य की दर्जा में यूपीए की सरकार थी, उस समय मुंह बंद हो जाता था। उस समय क्यों नहीं आवाज निकलती थी? लालू प्रसाद जी तो खुद मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री भी फर्स्ट टर्म में थे, तो उस समय तो कभी ये लोग अति नहीं कि आज तो 1,25,00,000 करोड़ पैकेज आया, उस पैकेज का सदुपयोग हुआ, उसकी चर्चा करें और विकास के लिए क्या बेहतर हो। विकास के लिए हमको इंडस्ट्रियल वातावरण चाहिए। ये अपराध और भ्रष्टाचार और गुंडाराज से इंडस्ट्रियल वातावरण बनेगा, रोजगार का अवसर इस वातावरण में मिलेगा। जो लोग हैं वो तो पलायन करने की स्थिति में है। आप बलात्कार करें हमारे क्षेत्र में, उसके परिवार ने खुल करके सारे। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, सेवा का कार्य काम करने का पूरे देश में, आज उनके जन्मदिन को इससे बेहतर तरीके से कोई नहीं मना सकता। और युवा मोर्चा ने जिस प्रकार से पूरे देश में रक्तदान का कार्यक्रम किया, यहाँ पर दुर्गेश जी और अभिषेक जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं भी इसका सहभागी बनूं। पंडित जी, पंडित जी आइए, सबको नहीं देते हो क्या? चलो।
May God bless you. Now, God bless you.